कि जय महाराष्ट्र बोलना क्या पाप है, क्या क्या देशद्रोह है क्या? किसी ने फोन किया, किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा तो तुम क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के सरकारी अधिकारी अब फोन पर बात करने के दौरान सबसे पहले हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम शब्द का उपयोग करेंगे। यह आदेश एकनाथ शिंदे की सरकार ने जारी किया है। शिंदे के इस आदेश के बाद विपक्षी जमकर भाजपा पार्टी पर हमलावर है। AIMIM के विधायक वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे सरकार सिर्फ जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नया नाटक कर रही है। अगर हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या वंदे मातरम बोलने से लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या किसानों का कर्ज माफ होगा, महंगाई कम होगी? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी शिंदे सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर वंदे मातरम वाला आदेश लेकर आई है ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच के दरार बढ़ जाए। आगे कहा कि हम अपने देश को प्यार करते हैं लेकिन हमारा सिर केवल अल्लाह के सामने झुकता है, हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? देखिए बाकी का बात ये है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोलो, क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते ये? इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना, तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। और कौन से दिन लॉन्च कर रहे हैं ये लोग? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। वही महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जिसका कत्ल किया नथुराम गोडसे ने, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। गोडसे मुर्दाबाद तो इनके मुंह से निकलता नहीं है। बस इसी तरह किसी भी तरह से ध्यान भटकाओ, नफरत फैलाओ, ये इनकी राजनीति बन गई है। अब मैं दूसरा भी सवाल, चलो अगर किसी ने नहीं बोला, किसी ने फोन किया, किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा तो तुम क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि ये बोलना ही है? नहीं ना, क्यों, किसने? फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, ना जमीन के आगे ना आसमान के आगे। ना दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूं ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है, इससे कहीं से देशद्रोह नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत मजबूत हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक नई सरकार बनाया है, जो बाला साहब ठाकरे के फोटो के नीचे नजर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के एक बहुत बड़े सिपाही की तरह से काम कर रहे हैं हमेशा बाला साहब ने। मैं लाइफ में 1-2 बार उनसे मिला था बाला साहब से, तो जय महाराष्ट्र ही सुना था उनसे टेलीफोन पर, जय महाराष्ट्र। इनके जितने सिपाही थे आप भी शिंदे साहब जय महाराष्ट्र बोलते थे। आज के आप बीजेपी और RSS के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक GR इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो, मैं समझता हूं आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। महाराष्ट्र की जनता, शिंदे साहब आप मेरे दोस्त हैं, आपसे जरूर सवाल करेगी कि जय महाराष्ट्र बोलना क्या पाप है, क्या क्या देशद्रोह है क्या? दोस्तों ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे। आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। हम कभी भी
वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे।